सो गाइज वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं आपको ऑल न्यू 2019 फोर्ड एस्पायर सीएनजी का रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये इसका सीएनजी वेरिएंट है जिसमें आपको कंपनी द्वारा सीएनजी किट फिटेड मिलेगा, और ये इसका ट्रेंड प्लस वेरिएंट, एम्बिएंट वेरिएंट में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। और ये देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ आगे के हेडलाइट्स स्मोक फिनिशिंग के साथ मिलेंगे, यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट्स हैं, फॉग लाइट्स नहीं प्रोवाइड करी गई हैं, और ये है इसकी एम्बेडेड ग्रिल, सिल्वर इंसर्ट्स है इसमें भी, फोर्ड का लोगो है यहाँ पे, और ये है आगे के बम्पर का लुक। और ये है गाइस इसके 14 इंच के टायर्स, व्हील कवर्स प्रोवाइड करे गए हैं आगे पीछे, और ये है इसके आउटसाइड ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ, और यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। और ये है गाइस गाड़ी के रियर का लुक, ये है इसकी टेल लाइट्स, फोर्ड एस्पायर की बैजिंग, फोर्ड की लोगो, और यहाँ पे एक स्ट्रिप प्रोवाइड करी गई है, और यहाँ पे डिफॉगर वगैरह नहीं प्रोवाइड करा गया है, स्टॉप लैंप है यहाँ पे, और पीछे पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड करे गए। सो गाइस इसमें आपको 385 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइड करा गया है, और ये है इसका सीएनजी टैंक, ये है इसका सीएनजी टैंक। अभी सर आपको इसके बारे में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, इसके सीएनजी टैंक में आपको 12 केजी का टैंक है जिसमें कि 8 केजी की सीएनजी गैस की उसमें फिलिंग होगी। फिलिंग कैपेसिटी जो है वो 8 केजी है, एंड 25 किलोमीटर्स 1 केजी सीएनजी में इसका माइलेज कंपनी रिकमेंड करती है, एंड इन पेट्रोल में आपको 18 का माइलेज रिकमेंड करती है। ये है, और इसके आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके बूट स्पेस में आपको सीएनजी टैंक के बाद भी आप अपना स्पेस स्टोरेज कैपेसिटी इसमें आपको मिल रही है, एंड दो वेरिएंट्स में ये लॉन्च हुई है फोर्ड इंडिया की तरफ से। कॉमर्शियल सेगमेंट के लिए एम्बिएंट वेरिएंट लॉन्च हुआ है जिसमें कि स्पीड गवर्नर के साथ आ रहा है, एंड पर्सनल सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए ट्रेंड प्लस वेरिएंट लॉन्च हुआ है जिसमें कि आपको म्यूजिक सिस्टम एंड फोर डोर पावर विंडोज डुअल एयरबैग ABS EBD इन सारे एंड इन सारे फीचर्स के साथ आपको व्हीकल प्रोवाइड हो रहा है सर। सो गाइज ये इसका रियर डोर का लुक, बीच फिनिशिंग है, यहाँ पे स्मोक्ड इंसर्ट्स है, ऑल फोर पावर विंडो है, यहाँ पे भी स्मोक फिनिशिंग है, और ये इसकी अपॉल्स्ट्री का लुक, पीछे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये सेंट्रल आर्मरेस्ट है, इसमें कप होल्डर्स नहीं प्रोवाइड करे गए हैं, और ये है पीछे की सीट्स का लुक, एक कप होल्डर है पीछे और ग्रैब हैंडल्स है। सो गाइस ये इसकी 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, फोर्ड का लोगो है सेंटर में, सिल्वर फिनिशिंग है, और ये इंडिकेटर्स के बटन है इधर, और इधर वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ब्लू लाइट के साथ, और ये टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे बीच में MID प्रोवाइड करी गई है, ये फ्यूल गॉज है, इसमें आपको टेल लाइट्स प्रोवाइड करी गई है, फ्यूल गॉज है राइट में, और ये है यहाँ के स्विच गियर्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, स्पीकर है यहाँ पे, और ये है गाइस इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। एंड सर इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ FM चैनल्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको ये बहुत ही देखिए कंसील्ड एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट म्यूजिक सिस्टम दिया है हैंडल करने के लिए। और गाइस यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड करी गई है थोड़ी, और ये इसके वो AC वेंट्स हैं, ये क्लाइमेट कंट्रोल AC, और ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, कप होल्डर्स हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ी बहुत स्पेस है, और ये हैं पेडल्स यहाँ के। इसमें गाइस आपको ट्विन एयर बैग्स प्रोवाइड करे गए, ABS विद EBD भी अवेलेबल है, और ये है इसका ग्लव बॉक्स, ये है इसका मैनुअल IRVM, और ये वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर सनशेड, और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर सनशेड में, और यहाँ पे एक रीडिंग लाइट प्रोवाइड करी गई है। सो गाइज आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, पेट्रोल और CNG के बीच में आप जिस चीज पे गाड़ी को चलाना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ लाइट के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप बूट खोल सकते हैं, ये मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल। सो गाइज ये इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 96 BHP की पावर है, और 120 NM का टॉर्क है, इंजन वही सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। एंड एक चीज और मैं इस गाड़ी के लिए बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इसको CNG मोड में भी चलाएंगे तो जैसा कि अदर कॉम्पिटिटर व्हीकल्स में आप देखते हैं कि पिकअप आपको लैग करता है, CNG में आपको कम पिकअप फील होता है, बट इस गाड़ी में हमारा PS डाउन नहीं होता, BHP वही रहेगा 96
PS की गाड़ी है, तो CNG की भी आप चलाएंगे तो वही आपको पावर मिलेगा, वही पिकअप मिलेगा। सो आप इसको कहीं भी इजी टू ड्राइव है, सिटी कंडीशंस में भी आप अगर किसी भी उसमें चलाते हैं तो आपको पिकअप में कहीं भी कोई फर्क नहीं लगेगा। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2019 फोर्ड एस्पायर CNG वेरियंट। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए थैंक्स एंड